जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों को बहन प्यारी लगती थी, आपस में बहुत स्नेह रखते थे। बहन ससुराल गई तो कार्तिक लगते ही चौथ आई, तब बहन पियर आई। बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। उस दिन बहन के व्रत था। सभी भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा ले। बहन बोली कि आज मेरे व्रत हैं, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करूंगी। भाई ने सोचा कि बहन पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी। तब भाइयों ने डूंगर ऊपर जाकर घास चलाई और भाई आग के आगे चांदनी ढक दी। भाई बोले कि बहन आकर चांद देख ले और अर्घ दे दे। बहन अपने भाभियों को आवाज़ दी। भाभिया बोली कि भाईसा, ये तो चांद आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन को चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने लगी। पहला गांसिया में बाल आया, दूसरे में सिवाल आया, तीसरे में तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्दी भेजो। माँ पहनने के लिए कपड़े निकाले तो काले सफ़ेद कपड़े हाथ में आते हैं। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टक्का पल्ले बांधकर विदा करती है और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उन्हें पाँव लगती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे उन्हें पाँव लगकर सोने का टक्का दे देना। वह तो रास्ते में सभी को पाँव लगती गई और सभी ने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी आशीर्वाद में ऐसा नहीं कहा कि तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंची तो पालने में जेठू थी, सो रही थी। तब वह उसे भी पाँव लगी तो वह जल्दी से चाची को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। काकी जल्दी से पाँव लगकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांधी और अंदर गई। सासू जी और पूरा परिवार वालों को रोते बिलखते देखा तो अपने पति को लाश जैसे सोए हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे। वह तो पति का पल्ला ही नहीं छोड़े और परिवार वालों को कहती हैं कि जंगल में झोपड़ी बना दो, मैं तो पति की सेवा करूंगी और इनके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मुर्दा कभी जीवित होता है क्या, लेकिन वह तो मानी नहीं और पति के साथ जंगल में झोपड़ी में रहने लगी। जेठूती के साथ सासू जी रोज रोटी भेज देती। ऐसे करते करते वापस थोड़े दिन बाद मार्ग शीर्ष माह की चौथ आई। गरजते गाजती आई, सात भाइयों की बहन करवा ले ले, चांदनी में चांदी देखने वाली करवा ले ले, पति भुकालू करवा ले ले। जब वह बाहर आकर बोली कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, तो चौथ माता ने पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वह मेरे से बड़ी है। ऐसे करते करते चौथ माता आई, उन्हें भी सभी की तरह पांव पकड़ लिए। जब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक मास की चौथ माता तुमसे बहुत ही नाराज है, उनके पांव तुम छोड़ना नहीं, वही तुम्हें सुहाग देगी। वह तो चौथ माता बहुत गरजती गाजती गुस्से में आई और बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वह बहन तो उन्हें जाने भी नहीं देवे और अपना सुहाग मांगती रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। अखियां में काजल, नख से मेहंदी, सिर से मैन और टीका से कंकु मिलाकर हथेली में गीला करके उन्हें पति के ऊपर कंकु से छीटा दिया। उसका पति तो उठ कर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने तो बहुत सो गया। फिर वह अपनी सारी बात उसको बताती है। वह भी चौथ माता से आशीर्वाद लेता है। चौथ माता जाती हुई झोपड़ी को लात मारती है तो झोपड़ी से महल बन जाता है और बाग बगीचा हो जाते हैं। शाम को जेठूती जब रोटी लेकर आती है तो झोपड़ी कहीं भी नज़र नहीं आती है, बल्कि अंदर से काका काकी की बोलने की आवाज़ आ रही है। वह घर जाकर कहती है तो घर पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। सभी लोग बातें बनाने लगे, इतने महीने हो गए कि जंगल में कोई रह सकता है क्या, किसी के साथ भाग गई होगी। फिर भी जेठूती के कहने से सभी लोग देखने गए।
वहाँ पर झोपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती है कि यही मेरे बेटे बहू है। ससुर जी ने बहू को पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बहू बोली, मैं तो चौथ माता के पांव पकड़कर बैठ गई, चौथ माता मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा सुहाग वापस दे दिया। सासू बहू ने पूरी नगरी में हेलो फिराक दिया कि विवाह की हुई बहू बेटी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और कहानी कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोले। हे चौथ माता, जैसे उसकी बहू बेटी को सुहाग दिया रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग व बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को व हुकारा देने वाले को, सभी के परिवार को सुख देना। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।